प्रॉब्लम हुए इनके? कुछ कुछ आइटम्स वहाँ से मिसिंग हैं, पूरा रूम नहीं बिखरा हुआ बट कुछ आइटम मिसिंग हैं। तो पहली दृष्टि में लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद चोरी या लूट की पर्पज़ से कोई एंट्री किया होगा और इनको मारने के बाद यहाँ से गया होगा। सामने वाले सीसीटीवी कैमरे से, हॉस्टल के कैमरे से ये पता चला है, दो लड़का है जो कि 12:34 पर यहाँ से निकल रहा है, इसी घर से निकल रहा है, दादी के घर से। 12:34 पर दो लड़का निकला है, पतला दुबला सा है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है, लगभग 5'2-3" हाइट होगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ अनिल। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहाँ पे एक बुजुर्ग महिला की अपराधियों ने हत्या कर डाली है। दरअसल ये पूरा मामला पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे बीती रात की ये घटना बताई जा रही है, जब अपराधी दो की संख्या में घुसते हैं और घर में घुसकर कहीं ना कहीं लूटपाट का विरोध करने पर गला दबाकर बुजुर्ग महिला की हत्या कर देते हैं और वहां से उनके ज्वेलरी सहित कई कीमती सामानों को लूटकर फरार हो जाते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की तहकीकात जारी है। अभी घटनास्थल पर पटना सेंट्रल एसपी सहित बुद्धा कॉलोनी थाने की पुलिस यहां पहुंच चुकी है और तमाम यहां पे एविडेंस को खंगालती नजर आ रही। वहीं अगर बात करें तो यहां पे इस मकान में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी अपराधियों ने काट डाला है और वहीं डीवीआर को भी लेकर भागने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अभी भी पुलिस की तहकीकात जारी है। फिलहाल परिजनों का साफ तौर पर यहाँ कहना है और उनकी पोती का ये कहना है कि वो बगल वाले किसी मकान में रहती है और जहाँ से सुबह वो जब यहाँ पहुँचती है और उनका दरवाज़ा नहीं खुलता है, जिसके बाद वो बैकडोर से अंदर प्रवेश करती है, जो कि दरवाज़ा पहले से खुला हुआ था और अंदर का सामान बिखरा पड़ा देख और बुजुर्ग दादी की सब को देख वो घबरा जाती है और जिसके बाद बुद्धा कॉलोनी थाने को इसकी सूचना दी जाती है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आइए सीधे सुनवाते हैं आप। क्यों सूचना है? बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में दलिता देवी की हत्या का है। प्रथम दृश्य देखने पर पीछे वाला गेट थोड़ा सा चटकनी भी उसकी खिंची हुई नज़र आ रही है और ऐसा लगता है कि फोर्स एंट्री की गई है और वो अभी अपने ही बेड पर चित अवस्था में पाई गई हैं। कुछ कुछ आइटम्स वहाँ से मिसिंग हैं, पूरा रूम नहीं बिखरा हुआ बट कुछ आइटम मिसिंग हैं। तो पहली दृष्टि में लेकिन ऐसे लग रहा है कि शायद चोरी या लूट की पर्पज़ से कोई एंट्री किया होगा और इनको मारने के बाद यहाँ से गया होगा। बाकी पूरा इन्वेस्टिगेशन के लिए डॉग स्क्वाड बुला लिया गया, FSL की टीम भी बुला ली गई है और CCTV का भी कुछ कुछ वायर्स अंदर से तोड़ा गया था, तो इसका हम लोगों ने DVR ले लिया है अपने कंट्रोल में और आसपास की फुटेज दिखवाते हुए हम अनुसंधान स्टार्ट करते हुए जल्दी से गिरफ्तार करवाएंगे। ये महिला का नाम क्या था और ये अकेली रहती थी क्या? इनका नाम ललिता देवी था और बेसिकली इनके घर में ऊपर हॉस्टल टाइप से चलता है, जो एक अमित कुमार करके बंदे हैं जो चलाते हैं हॉस्टल संचालक, तो इस अपने पार्ट में ये अकेली रहती थी, ऊपर बच्चे भी रहते थे। नहीं, ये सब बोला जा रहा है कि 2 साल पहले कई छिनते का प्रयास किया गया था, अब वो कोरोबोरेटेड नहीं है, जब तक हम उसको केस को देख नहीं लें तब तक स्पॉट का हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे। महिला की हत्या कैसे की? अभी देख के क्लियरली नहीं मालूम पड़ रहा है, मतलब डायरेक्ट कोई इंजरी बॉडी पे नज़र नहीं आ रही है, एग्जैक्टली किस तरीके से की गई है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम। घटना हुई है, हम लोगों को तो कुछ नहीं पता, हम लोग तो घर में थे, सोए हुए थे, अचानक से एक बच्ची आके बोली कि दादी मर गई। आप दूसरा घर में रहते हैं? हाँ, यहाँ पे दादी अकेली ही रहती हैं। सर्वेंट आई काम करने, तो सर्वेंट जब आई तो बोली कि गेट नहीं खोल रही है, आगे का दरवाज़ा जब नहीं खोली तो पीछे के दरवाजे से चाची मेरी गई देखने गई कि आखिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही है, तो जब पीछे के दरवाजे से गई तो दरवाज़ा पहले से पीछे का खुला हुआ था, खुला हुआ था, तो हम लोग देखे कि गेट कैसे खुला है, तो जब देखे तो देखे कि बॉडी पूरा ठंडा पड़ा है, फिर भी हम लोग सोचे हो सकता है नींद में हार्ट अटैक वगैरह आ गया होगा। थोड़ी देर बाद देखे कि जा इयररिंग नहीं है, उसका सोना का चेन नहीं है, सारा मतलब बॉडी ऐसे चित्रा पड़ा है और कोई भी ज्वेलरी नहीं था उसके बॉडी में, और गोदरेज का कॉल वो जो लॉक है वो टूटा हुआ था, सारा पर्स ऐसे बिखरा हुआ है, हैंड पर्स बिखरा हुआ है, छोटा वॉलेट बिखरा हुआ है, ज्वेलरी कुछ भी नहीं है बॉडी में। आपके घर में सीसीटीवी कैमरा है? लगे सीसीटीवी कैमरा का तार पहले ही काट चुका था, डीवीआर भी लगे है। हाँ, लगा हुआ है लेकिन तार हर जगह से तार काटा हुआ है। सामने से सीसीटीवी कैमरे से क्या पता? सामने वाले सीसीटीवी कैमरे से, हॉस्टल के कैमरे से ये पता चला है, दो लड़का है जो कि 12:34 पर यहाँ से निकल रहा है, इसी घर से निकल रहा है, दादी के घर से। 12:34 पर दो लड़का निकला है,
पतला दुबला सा है, ज़्यादा हाइट भी नहीं है, लगभग 5 फुट 2-3 इंच हाइट होगा दोनों लड़के। इससे पहले भी एक बार अब कितना पैसा दादी की थी नगद में तो नहीं पता, बट हाँ 2-3 भर का चेन पहनी हुई थी और इयर रिंग पहनी थी, झुमका, बाला, चूड़ी, कंगन उतार दी थी। दाई बोल रही है कि कल कंगन नहीं पहनी हुई थी दिन में, और बाकी ज्वेलरी पायल पहनी हुई थी वो सब नहीं है। कंठी माला जो पहनती थी वो कंठी माला बेड पे उनके तकिए के पास पड़ा हुआ है, और सारे उनका जो बैग है, हैंड पर्स है, वो सारा तकिए के पास ही पड़ा हुआ है। दादी का नाम तो था वो, दादी का नाम क्या है? ललिता देवी। 80 नूतन कुमारी। हाँ कल रात इससे पहले चेन छीनने की कोशिश किया था। हाँ आज का नहीं, हो गया 6-7 महीना हो गया होगा। हालांकि घटना स्थल पर जांच टीम के साथ साथ अगर बात करें तो यहां पे स्वान दस्ता और फॉरेंसिक को भी बुलाया गया है, जो कि महिला की हत्या मामले में अब जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना सेंट्रल SP ने साफ तौर पर बताया है कि अंदर में किसी तरह के फोर्स एंट्री के अंदेशा जताई जा रही है और अपराधी अंदर घुसे थे। हालांकि हत्या किन वजहों से की गई है या फिर कैसे की गई है इसका पोस्टमार्टम के बाद ही खुलासा होगा। फिलहाल यहां से कुछ ऑर्नामेंट्स, सोने के ऑर्नामेंट्स के गायब होने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं पटना सेंट्रल SP वैभव शर्मा, आइए सीधे सुनवाते हैं आपको। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह से इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हुए हैं, वहीं बताया जा रहा है कि DVR पुलिस के हाथ लगी है। हालांकि CCTV कैमरे के तार को काट दिया गया था, बावजूद इसके देखा जाए तो फिर से एक बार राजधानी में हत्या का दौर देखा जा रहा है, और वहीं पटना पुलिस अब अपराधी को चिन्हित करने के फिराक में जुट चुकी है। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ 4।